नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, बहुत लोग मुझे बहुत बार कहें कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर बताइए, ये कौन से केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, उसका नेचर क्या है, कौन से कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कौन से कितनी मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ कि पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ चाहिए या फिर हम लोग खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं जी ऑर्गेनिक खाद तो यूज़ करते हैं, गोबर की खाद या उस तरह की खाद, लेकिन उसके साथ केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं खेती बाड़ी में, क्योंकि हमको बहुत तेज़ी से विकास चाहिए, पौधे की विकास बहुत तरह का चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप गार्डनिंग करते हैं, ये जो करते हैं आप बागवानी करते हैं, उसमें भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। उसका कैसे, क्या मात्रा में, क्या नेचर है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है, सारा मैं बताता हूँ आपको। पूरा वीडियो देखिए, ये बहुत ज़रूरी वीडियो आपको मैं बताता हूँ। आपको केमिकल फर्टिलाइज़र में आपको तीन जो कॉम्पोनेंट है, इसमें तीन चीज़ें प्लांट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए। एक है नाइट्रोजन, एक है फॉस्फोरस, एक है पोटासियम। ये जो NPK है, ये तीन भाई है। जैसे हम भात चावल ये खाते हैं, चावल एक कॉम्पोनेंट है, आटा है, ये जो गेहूँ का कॉम्पोनेंट है, दाल एक कॉम्पोनेंट है, ये मेजर कॉम्पोनेंट है। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये मेजर कॉम्पोनेंट उनको चाहिए। इसके अलावा भी 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसमें 7 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है स्पेशली, उसमें बोरोन है, जिंक है, मैंगनीज है, आयरन है, कॉपर है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है। इसके अलावा भी आपको चाहिए कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सल्फर चाहिए, आयरन चाहिए। इस तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन आपको जो तीन कंपोनेंट है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम NPK, उसमें तीन चीज़ मैं आप बताता हूँ। जो फर्टिलाइज़र हम खेती में जनरली यूज़ करते हैं या फिर इसमें फास्ट जो है, इसका नाम है यूरिया। इसका मैं फार्मूला आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आपको देखिए यूरिया का फार्मूला। ये दानादार होते हैं, जैसे लगता है होम्योपैथी की गोली, ये क्रिस्टलाइन, व्हाइट क्रिस्टलाइन होता है, ये होम्योपैथी की गोली के जैसे दिखता है। और ये जो है हमारा जो खेतों में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ये रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन की मात्रा है 46, यानी कि 4600, NPK रेशियो है 4600, यानी कि 46 भाग इसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस इसमें 0 है, पोटासियम इसमें 0 है, जो NPK रेशियो है 46 है। ये रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है। इसकी एक खूबी है कि ये जो पत्ते के जो फोलियज है, पत्ते के जो फोलियज के जो विकास है, ये फोलियज के विकास के लिए काफ़ी हेल्प करता है, पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन एक मुश्किल ये है कि ये जो है पौधे में, ये जो है ये मिट्टी में जाके ये नाइट्रेट फॉर्म करते और जो है अमोनियम फॉर्म करते। नाइट्रेट जो है पानी में डिजॉल्व होकर इजीली से लीचिंग आउट हो जाती है, और अमोनियम फॉर्म जो होता है थोड़ी सी धूप लगने से इजी से ये वोलेटाइज हो जाती है। तो ये थोड़ा दिक्कत है प्लांट के साथ। और एक प्लांट के साथ ये दिक्कत है, जो रूट के नज़दीक अगर इसको प्रयोग करेंगे तो ये जो अमोनियम है ये रूट को काफ़ी डैमेज करता है। इसलिए जो सीडलिंग होती है, इस तरह की जो सीडलिंग है, हम सीडलिंग में ये कभी आप ये जो यूरिया टाइप के जो खाद है इसमें यूज़ नहीं करें, क्योंकि मिट्टी में जाएगी ये रूट के साथ नज़दीक में आएगी, तब आपको जो रूट्स है इसको ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम जनरली क्या करते हैं, ये जो यूरिया टाइप के खाद है ये बागवानी में हम बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से फोलियज का प्लांट चाहिए, आपका पालंग के या धनिया के पौधे उगाना चाहते हैं, या फिर कृषि में भी देखते हैं आप, खेती बाड़ी में भी लोग जो फोलियज प्लांट्स होते हैं उसमें काफ़ी ये प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है ये है DAP। ये जो DAP के दाने देख रहे हैं, ये काले काले छाई रंग के दाने से दिखते हैं, ये बहुत हार्ड दाने होते हैं। ये एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो खाद यूज होती है ये डाई अमोनियम फॉस्फेट या DAP। इसके दाने देखिए छोटे छोटे होते हैं। इसके जो फॉर्मूला ये 18-46-0, यानी कि इसमें अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन है 18% और 46% इसमें फॉस्फोरस है, पोटासियम इसमें है नहीं। तो 18-46 इसमें क्या होता है, इसका जो है ये जो पौधे हैं नाइट्रोजन जो है उसका फोलियज का विकास करता है, और जो उसमें फॉस्फोरस जो है उसका रूट का विकास करता है। तो आपको पौधे में अगर रूट का या फूल का विकास करता है, तो आप गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है ये DAP। ये DAP में क्योंकि नाइट्रोजन भी ज़्यादा है, इसका फोलियज का विकास भी बहुत अच्छा होता है, रूट का विकास भी चाहिए, उसमें फूलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 40-50 रुपये किलो आता है। तो उसमें आप 100 ग्राम ले लेंगे तो आपको, अगर आप कोई भी गमले में यूज़ करते हैं तो गमले में आपको यूज़ करना है थोड़े से, जितने साइज के गमले हैं इसमें 10-12-14-15 दाने अगर आप दे देंगे तो आप इस तरह के आप दें, और ये आपको गमले के किनारे के साइड से दें, जो भी है किनारे के साइड में दें और इसको गुड़ाई कर दें, ताकि ये रूट के साइड नहीं आए। जो भी आप जब भी करें आप करके उसके साथ गुड़ाई करके इसको मिट्टी को आप इसको चापा दे दे, इसको कर देती। ये DAP है, ये आपको बताता हूँ, ये पानी में ज़्यादा घुलनशील नहीं है। जब आप पानी में डालेंगे इसको तो ये बहुत स्लो ग्रो करता है। अगर आप पानी में घोल के देते हैं तो कम से कम आपको 48 घंटा भिगो के इसको देना है, और इसका पानी भी आप डिजॉल्व करके दे सकते। तो ये देखिए ये घुलनशील नहीं है, ये जो है नीचे ये दाने हैं ये पड़ जाते हैं,
और ये थोड़ा घुलनशील होता है, अमोनियम तो है वो थोड़ा सा घुल जाता है, ये फॉस्फोरस जो है घुलता नहीं है, तो ये बहुत स्लो घुलता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा खाद रहता है। तीसरा जो मैं है सबसे ज़्यादा यूज होता है ये पोटासियम, इसका जो नॉर्मल फार्मूला है इसका म्यूरेट ऑफ पोटास दो तरह का आता है, एक म्यूरेट ऑफ पोटास आता है और एक सल्फेट ऑफ पोटास आता है। इसका जो फार्मूला है एनपीके फार्मूला 0050 है म्यूरेट ऑफ पोटास। ये काफ़ी फूल का फल का भी काफ़ी हेल्प करता है, इसमें फल में जो है दाने बनने में फ्रूट्स बनने में काफ़ी हेल्प करता है, प्लांट्स के जो है डिफेंस मैकेनिज्म में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, प्लांट्स के वाटर अटैक में काफ़ी हेल्प करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करता है, ताकि पौधे को ओवरऑल विकास में ये पोटासियम बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये पोटास ये जो है म्यूरेट ऑफ पोटास यूज करते हैं आधा चम्मच, अगर आप कोई भी फूल के फल के पौधे में प्रयोग करेंगे तो आपका फूल बहुत अच्छे आएंगे, फल बहुत अच्छे आएंगे। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि उसके पौधे तो विकास कर गए लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, तो आप उसको क्या करिए, पौधे के ज़मीन जो है गमले को चारों तरफ से गुड़ाई कर दे, फिर आधा चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा आधा चम्मच यानी कि 2 से 3 ग्राम एक एक गमले में आप डाल दें। इसको डालने के बाद आप ये कर सकते हैं एक एक प्लांट में 15 दिन में एक बार प्रयोग करें। इसका जो है वाटर सोलबल बहुत अच्छा सोलबल है, ये अगर आप पानी में घुलते हैं तो बहुत जल्दी ये घुल जाता है, ये वाटर सोलबल है, बहुत अच्छा वाटर सोलबल है। एक मैं आपको दिखाता हूँ यूरिया भी जो है, यूरिया भी बहुत अच्छा वाटर सोलबल है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से घोल के दिखाता हूँ, ये भी इंस्टेंटली घुल जाता है। तो आप यूरिया भी पानी में घोल के दे सकते हैं, ये पोटास भी पानी में घोल के दे सकते हैं, ये 10-26-26 यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा है 10-26 है फॉस्फोरस और 26 है पोटासियम। ये सुफला सबसे ज़्यादा बाज़ार में बिकता है, ये भी 40-50 रुपये किलो आता है, ये भी 50 ग्राम आप ले लेंगे या 100 ग्राम का एक पैकेट लेंगे, एक एक गमले में अगर आप देते हैं तो 4-5 दाने हैं, 15 दिन में एक बार दे देंगे, उसके बाद जहाँ पे जब भी कोई भी रासायनिक खाद दे उसको मिट्टी में गुड़ाई करके दे, और उसके बाद इसके मिट्टी का ऊपर कवर। एक जो है बाज़ार में बहुत अच्छी उपलब्ध है, ये हमारे गार्डन में काफ़ी काम आती है, ये इसको कहते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है। ये देखिए पाउडर के जैसे लगता है, चूना का पाउडर का जैसा है, स्लाइटली ग्रेइश कलर का चूना का पाउडर का जैसे, ये है काफ़ी अच्छा, ये रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा आता है। जब भी आप कोई भी रूट डेवलप करते हैं या फिर कटिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं मिट्टी में, ये आप मिक्सचर करें, ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। एक एक गमले के लिए आपको आधा चम्मच से एक चम्मच भी आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ये डायरेक्ट जब मिट्टी बनाते हैं कोई भी गमले में कोई भी फूल या फल के लिए, तो उसमें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट एक चम्मच डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं, ये काफ़ी आपका हेल्प होगा। अगर आप एक केमिकल आपका बहुत यूज होता है जो आप कहते हैं ये एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 या फिर एनपीके 18-18-18, ये एनपीके 20-20-20 है, ये इजीली वाटर डिजॉल्व हो जाते हैं, ये बहुत जल्दी इंस्टेंट जब भी आप पानी में डालते हैं ये देखिए साथ साथ ये घुल जाता है पानी में, और इस तरह से देखिए इंस्टेंट घुल जाता है। और ये फोलियर स्प्रे के लिए पानी में मिला के स्प्रेयर में ये करके फोलियर स्प्रे के लिए बहुत अच्छा रहता है एनपीके 20-20-20। ये हर 7-10 दिन में एक बार हर कोई पौधे फूल का हो फल का पौधा है उसमें भी आप स्प्रे करना, भी इसको पानी में करीब 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप डाल के इसको घोल लीजिए, इंस्टेंट 1 मिनट में घुल जाता है, उसके बाद अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए आप पौधे में। सुबह सुबह एकदम सुबह 6 बजे 7 बजे धूप निकलने के पहले अगर आप स्प्रे कर देंगे तो पौधे या इंस्टेंट अपडेट करते हैं, ये 19-19-19 या 20-20-20 ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, करीब 150 रुपये किलो आता है, बहुत सारे कंपनी के आते हैं। और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैं बताता हूँ जो भी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर सल्फर आयरन इस तरह के जो है कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरह से जो आते हैं, ये देखिए एडिटिंग, ये जिंक है, इस तरह का जिलेटिंग चिलेटिंग जिंक आता है, ये भी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर मोलिब्डेनम आता है या फिर आपको बोरोन आता है, जो पौधे का फल नहीं बनते फल बनने के बाद टूट जाते हैं फट जाते हैं उसमें बोरोन का प्रयोग करें तो काफ़ी अच्छा होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा होता है। या फिर इस तरह का रेक्सोलिन का आता है, ईडीटीए का माइक्रो ग्रैनुल्स का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर आता है, इसमें हर तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये भी आप 15 दिन में एक बार थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ है कौन कौन से कंपोनेंट इसमें दिया हुआ है, तो जिंक से कॉपर बोरोन मैंगनीज मोलिब्डेनम सारे इसमें है, तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है एक चम्मच। और अगर आप सॉलिड यूज नहीं करते लिक्विड भी यूज कर सकते, ये देखिए एग्रोमिन गोल्ड आता है, ये 1 ml या 2 ml लीटर में लेके ये देखिए इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है, 1 या 2 ml पर लीटर में डाल के आप मिट्टी में भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर पत्ते में स्प्रे भी कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक जो भी है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या इस तरह के जो है सरसों की खली नीम की खली इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोग करेंगे लॉन्ग टर्म में तब अच्छा है। अगर आपको पौधे के बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास चाहिए, आपका जो फूलों के पौधे हैं इंस्टेंट उसमें फूल चाहिए, तो आप DAP का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, NPK 20-20-20 या फिर सुपोला NPK सुपोला 10-26-26 इस
तरह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके जो पौधे बहुत अच्छे रहेंगे। उम्मीद है ये आपको वीडियो, आपको केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैसन हिंदी भाषा में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।